सो हेलो फ्रेंड्स, दिस ऑफर से रिलेटेड और एक हमारे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको पैसा फंसा हुआ है या फिर आपके पैसे रिफंड नहीं हो रहे, आपके पैसे अप्रूव हो गए लेकिन आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं आ रहे, यही सारे प्रॉब्लम्स हैं आपके, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं टेक्नोटीन और आपको हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमसे जुड़े सारे नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंच जाए, ताकि आप हमारे वीडियोस को देख पाए। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दीजिए कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी क्वेश्चन हमारे साथ कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मेरे तरफ से रिप्लाई या फिर हार्ट जरूर मिलेगा। तो चलिए लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, आप जैसे ही शॉपर्स ऐप को अभी खोल के देखते हो तो अभी फिलहाल तो नया कुछ भी अपडेट शो नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे ही खोलते हो वही चीज़, वही नोटिफिकेशन जो शो हो रहा है, ओके करके आप उसे बंद करते हो और फिर न्यूज़ में भी वही फ्लैश हो रहा है जो कि मैंने दो दिन पहले बताया था कि न्यूज़ में जो दिखा रहा था उनके ऐप के न्यूज़ में कि उन्होंने क्रिमिनल्स को पकड़ लिया जो फ्रॉड्स थे, और वो फ्रॉड्स कौन थे लास्ट वीडियो में मैंने बताया फ्रॉड्स कैसे हो रहा था, ठीक है। तो वो फ्रॉड्स के बारे में भी मैंने बताया है और मतलब वो फ्रॉड्स को पकड़ लिया गया है और आपका जो ट्रांजेक्शन है उसको भी प्रोसेस कर दिया गया है, ऐसा तो फिलहाल बताया गया। लेकिन अभी उसके ऑलमोस्ट 4 दिन हो गए हैं उस न्यूज़ के चलते हुए, मतलब 4 दिन हो गए लेकिन अभी तक किसी का भी रिफंड नहीं आया। हालांकि एक ने मुझे कमेंट किया था कि मुझे आया है, पर कितना सच है कितना झूठ है वो किसी को नहीं पता, कुछ प्रूफ तो उसका था नहीं तो कैसे कह सकते कि उन्हें मिला है, ठीक है। तो मतलब अभी तो कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि अभी आपका पेमेंट आएगा नहीं आएगा। और मुझे ऐसा भी लगता है, पहले जैसे कि मैंने ये न्यूज़ देखा था मुझे थोड़ा उम्मीद जागा था कि भाई ऐप अपने तरफ से कुछ कोशिश कर रहा है और मुझे लगा था कि हाँ आप लोगों के पैसे मिल जाएंगे, ऐसी उम्मीद जागी थी, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो 4 दिन हो गए उस न्यूज़ के फ्लैश होते हुए और अभी तक कुछ फ़िलहाल अपडेट आया नहीं है और वही चीज़ सेम का सेम चल रहा है और किसी को अभी तक फ़िलहाल तो मिला नहीं है रिफंड, तो ऐसा कैसे चलेगा। और मुझे भी ऐसा अब धीरे धीरे ना जितना टाइम बीतते जा रहा है लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि मतलब ये ऐप भागने के चक्कर में, ठीक है, आपके पैसे लेके भागने के चक्कर में। तो इसके लिए मैंने और एक वीडियो बनाया था, मैंने आपको बताया था कि ट्वीट करिए, तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि ट्वीट करने से फ़ायदा नहीं है। भाई फ़ायदा कैसे नहीं है, सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और मुझे और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक यूट्यूबर ने बोला है कि मैं उनका वीडियो कॉपी कर रहा हूँ। भाई किस एंगल से मैं आपका वीडियो कॉपी कर रहा हूँ प्लीज़ बता दीजिए, मुझे भी देखना है कि मैं किस एंगल से आपका वीडियो कॉपी किया हूँ ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। खैर ये सब तो चलता है, मुझे कोई कंट्रोवर्सी में फंसना नहीं है। तो और आगे अगर बात करूँ कि अगर कुछ यूट्यूबर्स आपको बोल भी रहे, वही यूट्यूबर्स जो लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं कि ये ऐप भाग चुका है, मैं आपको लिख के देता हूँ कि ये ऐप भाग चुका है, क्या मैं ऐसा बोल दूँ तो सही रहेगा कि ऐप भागी है? क्या आप उम्मीद छोड़ दोगे क्या कि मतलब इतने सारे पैसे फंसे हुए हैं? 50 करोड़ कम अमाउंट नहीं होता है यार, 50 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। सारे जो लोग हैं सबके 50 करोड़ ऑलमोस्ट ये पेपर में भी आ चुका है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल बहुत सारे चीज़ है तो 50 करोड़ फंसे हुए हैं और हो सकता है आपका भी उसमें से कंट्रीब्यूशन होगा। ऑलमोस्ट कुछ लोग का होता है 20,000, कुछ लोग का 10,000, कुछ लोग के 1 लाख, 2 लाख, 11 लाख, 16 लाख, ये सारे अमाउंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और कि कोई भी अपने पैसे बहुत मेहनत से कमाता है। और मैं भी जानता हूँ कि आपको टेंशन कितना होगा, डिप्रेशन कितना होगा, और मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ, ठीक है। और मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की हेल्प करने की, कि मतलब आप लोग को मतलब लगातार अपडेट्स देते रहूँ और आप लोग पैसे कैसे मिलते रहे आपको तरीके बताने का ट्राई करते रह रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जो तरीका है मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे भी लग रहा है कि यह भागने के चक्कर में, भागा नहीं है, ठीक है। लोग और भी बाकी लोग यूट्यूबर्स है वो लोग बोल रहे हैं कि भागने के चक्कर में है, मतलब कुछ बहुत ही कम जो 1-2 है वो लोग बता रहे हैं भाग गई है, मैं लिख के देता हूँ भाग गई। भाई ऐसा नहीं है, अगर भाग गई है तो क्या लोग उम्मीद छोड़ देंगे क्या, है ना। अभी ये भागी नहीं है, मुझे इतना पता है। अभी भी इसका ऐप प्ले स्टोर से हट गया, ठीक है, प्ले स्टोर से मुझे पता है यह ऐप हट चुका है, लेकिन अभी भी क्रोम में है। जब तक क्रोम में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी उसका वेबसाइट भी है, द शॉपर्स का वेबसाइट, जहाँ पे कि आप डाउनलोड कर सकते हो उसका ऐप, वो अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो अभी ये लोग भागे नहीं है, इसका CEO जो है कुमार नाथन, तो मतलब CEO, देखिए जो बाकी के जो केसेस थे, ठीक है, बाकी पहले के केसेस जैसे रुपी फोर क्लिक हो गया, OMG बर्स हो गया, ये सब केसेस में क्या था कि CEO का पता नहीं था, CEO जो है उनका पता नहीं था कौन है CEO, कौन कहाँ है, कुछ ओरिजिन पता नहीं था। लेकिन इस ऐप का तो सब कुछ क्लियर है, लोगों के सामने है कि इस
जिसका सीईओ है कुमार नाथन, उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया है और इतना भी पता है कि इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि वो पहले ईबे में काम करते थे, फिर उन्होंने ये कंपनी खोला, ठीक है। तो सीईओ आपके सामने है, तो फ्रेंड्स इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि फिर से एक बार कि आप ट्वीट करके एक बार तो देखिए, ट्वीट करके या फिर इंस्टाग्राम में या फिर फेसबुक में कहीं ना कहीं तो शेयर करके देखिए, सोशल मीडिया में फैला के तो देखिए, एक बार ट्राई करके तो देखिए, क्या मतलब कुछ तो पॉसिबिलिटीज बढ़ेगा ना, कुछ अगर थोड़ा भी पॉसिबिलिटी, जैसे 10% भी पॉसिबिलिटी चांसेस बढ़ता है आपको पैसे मिलने के, तो उसमें खराबी क्या है, कुछ नहीं होने से अच्छा है, कुछ तो हो रहा है ना, कुछ तो हो रहा है, तो ट्राई करते रहिए, कभी उम्मीद ना छोड़े, क्योंकि इतने पैसे बहुत ज्यादा यहाँ पे कि आपके पास दो ऑप्शन है, मैं आपको बताता हूँ ये दो ऑप्शन है ताकि आपको मतलब रिफंड मिल पाए। एक ऑप्शन है सोशल मीडिया, जो कि काफ़ी पावरफुल वेपन मतलब हो सकता है इस समय पे सोशल मीडिया, और आगे बताता हूँ अगर आप बोलते हो कि इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, आगे बताता हूँ, देखते रहिए, ठीक है। सोशल मीडिया एक हो गया, और एक बताता हूँ FIR, ठीक है, बहुत सारे FIR होने से उसके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करता हूँ सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया जैसे मैंने बताया था अपने वीडियो में, ट्विटर, ट्वीट करिए #TheShopperScam। अभी द शॉपर स्कैम पे बहुत लोग ट्वीट कर चुके हैं, बहुत सारे लोग ट्वीट कर चुके हैं, मैंने देखा था, मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था उस वीडियो के बाद बहुत सारे, और उससे पहले भी उसके ट्वीट्स काफ़ी सारे चल रहे थे, और ऐसे ही ट्वीट्स चलते रहे तो भाई कुमार नाथन जो है उसके सीईओ आगे कुछ काम नहीं कर पाएंगे, ठीक। अगर आप लोग सोशल मीडिया खाली ट्विटर ही नहीं, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह फैलाओ, आप लोग कम अमाउंट में नहीं हो, बहुत सारे लोग हो, और 50 करोड़ का मतलब ये लोग फ्रॉड करने के चक्कर में, तो आप लोग को इस चीज़ को करना है स्कैम कर, तभी आपके पैसे वापस मिलेंगे, क्योंकि अभी भागे नहीं है। और अगर आप ऐसा रुके रहोगे अभी टाइम में, अगर ये वेबसाइट भाग गई ना, ये लोग भाग गए, हो सकता है कि इनका जो सीईओ है कहीं फॉरेन में जाके अपना ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, तो वो एग्जैक्टली मुश्किल हो सकता है। तो बात यहाँ पे ये चल रही है, तो आपको मतलब ना अभी ही जो करना है कर सकते हो, अभी ही टाइम है, तो अभी लग जाओ, अभी सोशल मीडिया है आपके पास। और जो FIR में बोल रहा हूँ, ठीक है, FIR क्या है कि आप अगर जाके इस पे साइबर क्राइम से रिलेटेड आप FIR दर्ज कर सकते हो इसके ऊपर, ठीक है, तो पुलिस भी इसके आगे एक्शन ले सकती है। जैसे एक दो लोग कर दिए FIR, ठीक है, पुलिस उतना भी मतलब एक्टिव नहीं होगी, लेकिन अगर वो FIR अगर कलेक्टिव में आ गया, बहुत सारे लोग आके FIR कर दिए सेम चीज़ के ऊपर, तब वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो मतलब FIR करिए या फिर सोशल मीडिया एज अ अपना वेपन यूज़ कर सकते हो। और जो बाकी जो यूट्यूबर है बोल रहे कि ये वेबसाइट भाग गया, तो हम तो ऐसे वेट नहीं कर सकते ना कि वेबसाइट भागने का वेट तो नहीं कर, वो लोग बोले भाग गया, लिख के देता हूँ भाग गया, ऐसा नहीं है यार, भागा नहीं अभी, अभी भी है। और आप उम्मीद मत छोड़िए, आप जो ऐसा लिख दे रहे हो कि ट्वीट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा नहीं है, आप प्लीज़ उम्मीद मत छोड़िए, और टेंशन तो बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि ट्वीट करने से या फिर सोशल मीडिया में इसको फैलाने से, इसके जो हैशटैग्स है उसको ट्रेंडिंग में, मतलब आप लोग के पास, आप लोग के पास ये भी पावर है कि उस हैशटैग को अगर आप ज़्यादा शेयर करते हो, आप भी उस हैशटैग को यूज़ करते हो ट्विटर पे, #TheShopperScam, तो इस हैशटैग को आप ट्रेंड करा के मतलब बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हो शेयर कर करके। तो एक दो लोगों से नहीं होगा, आप बोले कि ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा, ऐसा होगा, ज़रूर होगा, अगर आप अपने तरफ से कोशिश करें, ट्वीट कर दिए या फिर इंस्टाग्राम में भी ज़्यादा शेयर कर सकते हो, फेसबुक है, फिर आप यूट्यूब पे भी इसका जो स्कैम का चला सकते हो, और मतलब FIR भी है ऑप्शन एज ए अगर आपको इस पर कंप्लेंट करना है। तो फ्रेंड्स मैं बस इस वीडियो में इतना ही बताना चाहता था, और सावधान रहिए, सतर्क बनिए, और मतलब ऐसे वेबसाइट्स के झांसे में आप मत पड़िए प्लीज़, क्योंकि ये सारे आप जो भी वेबसाइट में काम करने जाते हो ऑनलाइन अर्निंग, तो भाई आप देख के काम करिए कि आप सही वेबसाइट पे, ट्रस्टेड पे काम करिए। बहुत सारे वेबसाइट है बड़े, वहाँ पे अपने पैसे इन्वेस्ट करिए। ऐसे जो वेबसाइट्स है जो कि जिन्हें कोई जानता नहीं है, बहुत कम, जो फ्रॉड कर सकते हैं आपके साथ, जैसे OMG रुपी फॉर क्लिक, और अभी शॉपर्स का कुछ गारंटी नहीं, फ्रॉड भी कर सकता है या फिर पैसे मिल भी सकते हैं आपके, तो ऐसा चल रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।